जीडी का जो ये पेपर है ये साथी 10 जनवरी से होना है, जो एसएससी जीडी 2022 आपका पेपर है ये 10 जनवरी 2023 से एग्जाम इसका शुरू होना है, 10 जनवरी 2023 से एग्जाम डेट है भाई। अलग अलग शिफ्ट में होगा, ज्यादा दिन नहीं चलना, लगभग एक महीने के करीब चलना है, से 14 फरवरी को ये एग्जाम एंड हो जाएगा। उसके कुछ दिनों बाद आंसर की रिजल्ट और फिर आपकी आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसका मतलब एसएससी देर तो नहीं कर रही, अब इतने दिनों में बदले पैटर्न में सबसे पहली बात की 80 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो आपके नंबर कितने हो गए 160 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। आपको समय कितना मिला, आपको समय मिला 2 घंटा, समय मिले 2 आवर, जब आपको सॉरी 2 आवर कह रहा हूं 60 मिनट, 1 घंटा, घंटा तो मिला ही नहीं, मिनटों में देखो 60 मिनट मिले, 80 क्वेश्चन 60 मिनट। जब अब साथी देखोगे कि 1 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो लगभग 1 मिनट में मुझे क्वेश्चन लगभग 2 के करीब करूंगा, तभी जाके मैं यहां पर दे पाऊंगा, इन चीजों को बराबरी पे आ पाऊंगा, तभी तो पूरे क्वेश्चन कर पाऊंगा। उसमें भी एक चीज क्या देख रहे हो, उसमें भी एक चीज देख रहे हो कि क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे भी, पहले तो क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर उसके उसको समझोगे और तब आप उत्तर दोगे। आप ये सोचो कि क्या आज का ऐसा माहौल है, क्या इससे पेपर आ रहे, प्रीवियस ईयर देख के आपने अंदाजा लगा होगा, क्वेश्चन पढ़ भी लोगे, समझ भी लोगे, और फिर भी इसका मतलब आप ये कह सकते हो सर 1 मिनट तो लग जाएगी क्वेश्चन पढ़ने में, समझने में, ऊपर नीचे करने में, बड़ा क्वेश्चन हुआ तो ऑप्शन भी पढ़ने पड़ेंगे। जब 1 मिनट एक क्वेश्चन में आप लोगे तो 60 मिनट में 60 ही क्वेश्चन करके आप आओगे, 80 क्वेश्चन है, देख रहे हो। इसका मतलब आपको माइंडसेट उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। आपके पास एक सब्जेक्ट है हिंदी, छोटा सिलेबस, डेली अगर आप 1 घंटे दे रहे हैं, डेली 1 घंटा, रोजाना 1 घंटा, सबसे पहले तो आपको रोजाना 1 घंटा इसके लिए काफी है। आप अभी भी टॉपिक वाइज करें, बार बार टॉपिक वाइज, मतलब जैसे इसमें 6-7 टॉपिक है, आराम से एक टॉपिक को, आराम से एक टॉपिक को आप 3 से 4 दिन दीजिए, मतलब 3 से 4 घंटे हो गए टोटल देकर, और जितना भी आप करें उसमें उनको थोड़ा लिखकर याद कीजिए। यदि आप विलोम, इसको बंद कर दे भाई, आप विलोम शब्द कर रहे हो तो, आप पर्यायवाची कर रहे हो तो, आप अशुद्ध वर्तनी कर रहे हो शुद्ध अशुद्ध वर्तनी तो, कहने का अर्थ क्या है, सबको आप लिखकर, जिससे कि आपको यह ना हो कि यार एक चार दीवारी शब्द सही था या चार चार दीवारी शब्द सही था, ऐसे में आप पक्का फंसोगे। यदि आप बार बार लिखकर देखोगे चार सही होता है तो आप कभी गलत नहीं करोगे, आप सही उत्तर लगा के आ पाओगे। ये 1 घंटा काफी है दिन का, ठीक है भैया। टोटल दिन के अब जो 45 दिन बचे हैं, टोटल आप दिन में कम से कम दिन में 8 से 10 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, मैं ये नहीं कहता 24 घंटे दीजिए, आप 8 से 10 घंटे दीजिए, उतने काफी हैं। 8 से 10 घंटे को बहुत ही जुडिशियसली, बिल्कुल मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करके आपको इसको यूज करना है। इसमें 1 घंटा केवल डेली 1 घंटा हिंदी का हो गया कि भाई मुझे लिखकर करना है, जो मेरे गुरुजी करा रहे हैं, जो मैं खुद कर रहा हूं, बस मुझे क्या करना है, मुझे चीजों को लिखकर करना है। मैं कहता हूं चाहे आप 30 शब्द लिखें, ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है कि 2 मिनट में 1 शब्द लिखोगे, 30 शब्द लिखें, लेकिन 1 को 2 बार लिखें। आप शुद्ध शुद्ध वर्तनी कर रहे हैं कि भाई चार दीवारी 2 बार लिख दोगे कुछ भी नहीं होगा, 1 घंटा काफी है। अब आपके पास बच गए आपके पढ़ाई के 9 घंटे, ये रिविजन भी है और ये रिविजन प्लस थ्योरी सब कुछ इसके लिए काफी है, थ्योरी प्लस रिवीजन इतने काफी है, ऐसा नहीं कि इसके लिए आप फिर अलग से कोई घंटा दो। दूसरी बात आ जाती है जनरल अवेयरनेस जीके, जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें कुछ पैटर्न ऐसा रहना है कि जो आपके कम से कम 11 से लगभग आपके 7 से 8 प्रश्न, ये आपके जो परंपरागत जीके होती है लोक नृत्य वगैरह इससे होगा, परंपरागत इत्यादि से आपके 2 क्वेश्चन हिस्ट्री, 2 आपके ज्योग्राफी, 1 इको,
और 7 2 9 2 11 1 12 दो क्वेश्चन साइंस के मान लो, 12 2 14 6 से लगभग 3 क्वेश्चन साइंस के मान लो, 3 क्वेश्चन साइंस कितने हो गए, 7 2 9 2 11 12 और 3 15 5 से 6 क्वेश्चन ये आपके करंट अफेयर के हो गए। इस प्रकार से आपका होना है। 7 से 8 क्वेश्चन किसके हो गए आपके, परंपरागत जीके के, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस। इस प्रकार से मतलब आप इस समय कहोगे सर पॉलिटी कहां है, तो जो ज्योग्राफी और पॉलिटी आपकी है ये आप इसमें ये ज्योग्राफी पॉलिटी के दोनों के ही दो, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्योग्राफी के परंपरागत जीके में आ जाते हैं, परंपरागत में बांध वगैरह इसी से मिला के पूछ लेता है। इस प्रकार से आपका सीन रहना है। जो आपके अभी वर्तमान में 20 क्वेश्चन बनेंगे जीके के, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हिंदी और जीके के जिनके क्वेश्चन को कम समय पढ़ने में भी लगेगा और सीधा उत्तर आएगा, आपको सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर 20 और 20 40 इनको यदि आपने 15 मिनट में निपटा दिया, मैं कह रहा हूं बुरे से बुरे आराम से भी करोगे बहुत समय लेकर तब भी 15 मिनट में आप आराम से, इसमें तो भाई कहीं भी आपके 20 क्वेश्चन नहीं गए। हिंदी में 20 के 20 लाए जा सकते हैं, मैं 20 भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं चलो 18 ले आए। और इसमें यदि आप ट्राई करें हमारे साथ, तो ट्राई में हम लोग ये लेकर चल रहे हैं कि ये मैं दिसंबर में शुरू करूंगा करंट वगैरह सब कुछ लगा के, इस बार इसमें से आप 15+ जरूर रखें। मैं कहता हूं 5 चलो नसीब खराब हुआ, कुछ बच्चे 17-18 तक करके आएंगे, कुछ 18-19-20 भी करके आ सकते हैं, लेकिन हम लोग मेहनत जिस प्रकार से कर रहे हैं पूरी ताकत, और जितना भी एसएससी बंद करेगी जितना भी एसएससी चेंज करेगी हम इसे 15-16 तो पक्का रख के करेंगे। इसका मतलब 18 और 16 यहां से हम लोग 34 क्वेश्चन 15 मिनट में ले लेंगे जो हमारे हाथ में होंगे, 34 क्वेश्चन 15 मिनट में, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब आ जाता है भैया आपका जो आपकी मैथ और रीजनिंग है। अब ध्यान दीजिए, अब जीके की जब पढ़ाई की बात आती है कि जीके हम लोग किस तरह से पढ़े, तो थोड़ा सा आप लोग इस बात पर गौर कीजिएगा कि सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट तो इसमें से ले लेना था, जैसे आप तो या तो पॉलिटी ले लेते, छोटा सब्जेक्ट है सीधा सीधा याद करना है, हिस्ट्री सीधी सीधी फैक्ट्री याद कर मतलब फैक्ट याद करनी, पॉलिटी के साथ साइंस और परंपरागत जीके, 3 तो ये हो गए, और एक साथ ही करंट अफेयर। क्यों, कारण क्या है, ये लंबा सिलेबस है, इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप इन चारों को लेकर चले कि भाई मैं 1 घंटा परंपरागत जीके पढ़ूंगा, इसमें कैसे पढ़ूंगा कि मैं 40 से 45 मिनट तो थ्योरी पढ़ लूंगा, 40 से 45 मिनट, और जो थ्योरी पढ़ूंगा उसी को लिख के देखूंगा, 10 से 15 मिनट इसी का क्या मारूंगा, रिवीजन मारूंगा, 10 से 15 मिनट रिवीजन क्वेश्चन के माध्यम से, किसके माध्यम से, क्वेश्चन। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि मान लेता हूं आप 40-30 मिनट थ्योरी पढ़े, 30 मिनट थ्योरी और 30 मिनट आपने रिवीजन किया, 30 मिनट थ्योरी 30 मिनट आपने रिवीजन किया, जबकि पॉलिटी में तो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो आपने एक टॉपिक 15 मिनट में पढ़ा, 15 मिनट आपने उसका रिवीजन किया। ये परंपरागत जीके की बात है, ट्रेडिशनल जीके जिसको कहते हैं, ये 15 मिनट की बात है, 15 मिनट पढ़े 15 मिनट रिवीजन किया, ये पॉलिटी ले सकते हो। जैसे कि अनुसूची याद करनी है 12, 15 मिनट में एक बार पढ़ ली अच्छे से, 2-3 बार 4 बार 5 बार 15 मिनट में उसका रिवीजन कर लिया, ऐसे होता ही है, ये छोटे सब्जेक्ट है। इसी प्रकार साइंस, मान लेता हूं साइंस में आप याद कर रहे हो यूनिट डायमेंशन मात्रक वगैरह, तो वही साइंस में भी आपने वही किया कि 15 मिनट आपने उसकी थ्योरी की कुछ चीजें करी और 15 मिनट उसको आपने रिवीजन किया। इस प्रकार से आप देख रहे हो जो आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर 30 मिनट थ्योरी पढ़ी 30 मिनट रिवीजन किया, थ्योरी में कैसे कि भाई आज मैं सारी एक्सरसाइज कर लेता हूं, ये बताऊंगा पढ़नी भी कहां से, ये भी रुके रहिए, आज मैं सारी एक्सरसाइज कर लूंगा, तो 30 मिनट में आप सारी एक्सरसाइज कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 30 मिनट में उसका रिवीजन कर लिया। चलो 30 और 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटे और यहां आधा आधा घंटा, 3 घंटे जीके को हमने कितने घंटे दिए, जीके को हम 3 घंटे देकर चल रहे हैं। अब हमारे समय में कितना बच गया, 3 और 1 4 8 से 10 घंटे पढ़ना था, अब हमारे पास मैथ और रीजनिंग के लिए घंटे बच गए 1.5-1.5, तो हम आराम से दे सकते हैं। ध्यान दीजिए मैथ में जो कर रहे हो, जैसे आप एलसीएम एससीएफ कर रहे हो
या मान लेता हूं आप जो भी कर रहे हो, जो भी चैप्टर कर रहे हो, एक क्वेश्चन को तीन बार करो, समझो मेरी बात, एक क्वेश्चन को तीन बार करो, एक क्वेश्चन को तीन बार करने में क्या होगा, तीन बार तो उसे पढ़ लोगे, तीन बार उसे समझ लोगे कि भाई इसमें क्या दे रखा था और मुझे क्या निकालना था, और तीन बार उसे सॉल्व कर लोगे, तीन बार उसे सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन को तीन बार करने का क्या फायदा हुआ, जैसे एक ही क्वेश्चन हुआ, उस एक क्वेश्चन को तुम तीन बार पढ़ोगे तो तुम्हें वह पेपर में 60 मिनट में जो क्वेश्चन करने हैं, ये जो 45 मिनट बची है इनमें 40 क्वेश्चन करने हैं मैथ और रीजनिंग के, समय का बहुत ध्यान देना है। तो जब तुम अभी से आदत बनाओगे कि भाई मैं तीन बार क्वेश्चन पढ़ लूंगा, तीन बार उसे समझूंगा करना कैसे, हर बार पहले बार पढ़ा फिर समझा फिर किया, फिर पढ़ा फिर समझा फिर किया, तो एक ऐसी आदत बन जाएगी जो तुम्हें पार ले जाएगी, वहां पर एक बार में क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आ जाएगा। तुमने क्या किया, तुमने क्वेश्चन लगाते रहे, एक तुमने चैप्टर से, एक चैप्टर से एक व्यक्ति ने 100 क्वेश्चन लगाए, ठीक है भाई, एक व्यक्ति ने एक क्वेश्चन कितने लगाए 100, एक व्यक्ति ने एक चैप्टर से 300 क्वेश्चन लगाए, इसने 100 क्वेश्चन को तीन बार लगाया, इसको समय कितना लगा, इसको समय इससे आधा लगा, आधे टाइम में ये नए क्वेश्चन थे, इसने टोटल 100 क्वेश्चन चुने, इनको तीन बार लगाया, तो जब ये दूसरी तीसरी बार करेगा जब तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, लेकिन इसके क्वेश्चन को पढ़ने की समझने की क्षमता बढ़ गई, जैसे होती है ना कोमल सी रस्सी काट देती है चट्टान को, वैसे ही इसकी क्षमता बढ़ गई, क्षमता बढ़ेगी तो क्या फायदा होगा, ये वहां पेपर में भी 40 मिनट में जो 45 मिनट बची थी, 15 मिनट में अगर मैं तो हिंदी और जी के हटवा दिया तो उसमें ये क्वेश्चन को पढ़ रहा था, इसको तुरंत समझ में आ रहा था, तो पढ़ रहा था तुरंत समझ में आ रहा था, मान ले तो 20 नहीं करेगा, अरे भाई 14-15 तो करके ही आएगा, ऐसे रीजनिंग में, मतलब पर चैप्टर आपको चुनिंदा क्वेश्चन निकालने, 50, 60, 70 किसी में 100, 45 दिन का समय है, एक बार बैठो कि भाई मैं कम से कम ये जो 40-45 क्वेश्चन मैंने चुने हैं, या मैंने जो 60-70 क्वेश्चन चुने हैं, मैं इन 60-70 क्वेश्चनों को हटा के ही दम लूंगा, इसमें कितना समय लगेगा, 1 घंटा मान लो, 1 से 1.5 घंटा, 30 मिनट और उसी के बाद रिवीजन के लिए, जितना टाइम तुम्हें इसे पढ़ने में 60 क्वेश्चनों को 1 घंटा लगा है, दोबारा करोगे 30 मिनट लगेंगे, तीसरी बार करोगे 20 मिनट लगेंगे, मतलब कुछ भी करके 2 घंटे में आप इस चैप्टर को आराम से निपटा दोगे। कितने चैप्टर है आपके मैथ रीजनिंग में, मान ले तो 25 चैप्टर है, कितने दिन है 45 दिन, 2 बार कर चुके होंगे, और 2 बार तो चैप्टरों को कर चुके होंगे, एक क्वेश्चन को 3 बार एक बार में कर रहे हो तो एक क्वेश्चन को 6 बार कर चुके होंगे, अपनी एफिशिएंसी देखो। लेकिन क्वेश्चन वही हो जो एसएससी प्रीवियस पूछ रही है, थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन वही हो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तुम कुछ और ही कर रहे हो जो आजकल कम पूछे जा रहे हैं, नहीं पूछे जा रहे, तो उसे 6 बार कर लो तब भी कोई फायदा नहीं है। इसी तरह आपकी रीजनिंग, तो समझ में आ रही है, हमारे पास 4 घंटे यूज हो गए थे, 3 घंटे जीके में और 1 घंटा हिंदी में, 4 घंटे, 4 घंटे बचे थे, 2 रीजनिंग 2 मैथ, हो गया 8 घंटे, 10 भी तो नहीं मांग रहा आपसे, 8 घंटे ऐसे 45 दिन ऐसे, कोई टेस्टरी नहीं भी लगाओगे, कुछ भी नहीं करोगे ना, तब भी तुम मस्त पेपर करके आओगे, इस बात को याद कर लेना। ये एक तरीका है कि मैं कितनी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ के उसका उत्तर दे पाऊं। अब आपको जो डेली पढ़ने का शेड्यूल बनाना है वो इसी तरीके से बनाना है, 30 मिनट, जो हमारे साथ मिशन वर्दी में ऑलरेडी है वो जैसा चल रहा है बिल्कुल ऐसे चलने दो, कतई भी मत परेशान हो। 20 दिसंबर से तो हम टेस्ट सीरीज रिवीजन पे आ जाएंगे, अधिकतर सब्जेक्ट का 20 दिसंबर को खत्म, 1-2 बड़े सब्जेक्ट जो नए शुरू होंगे वो 25, तो 25 दिसंबर तक तो सारा खत्म है, उसके बाद में क्या बचेगा, केवल और केवल रिवीजन। जो लोग अभी भी जिनके पास उतनी नोट्स इत्यादि नहीं है कि सर ये 60-70 क्वेश्चन कहां से ढूंढे, उनके लिए हम लोगों ने जो आज साथी अपनी ये लॉन्च की है, अपनी जो आज ये लॉन्च की है वो ये है सबसे अहम कि हम लोगों ने, ये हमारी सुबह शाम तो क्लास चल रही है सिकंदर और वो जो अपने आपके यूट्यूब पर, जो हमारी एप्लीकेशन वाला है जो हमने आज ही मिशन जीडी के इसको 499 का किया, इसका कारण यही है
कि जो बच्चे शुरुआत में जुड़ रहे थे, जिन्होंने पहले से तैयारी कर रहे थे 1 तारीख से या